वेलकम बैक फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि कैसे हम ऑसुस जेनफोन मैक्स मॉडल ऑसुस Z010D को कैसे FRP बाईपास करेंगे। तो मेरे केस में मेरे पास वाईफाई का ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने ये देख लिया आप सिम लगा के रखा हुआ है जियो का। तो आप भी यदि आपके पास वाईफाई अवेलेबल नहीं तो आप जियो के सिम से या कोई भी सिम डाल के आप काम चला सकते हैं, बस डेटा ऑन होना चाहिए। तो इसमें अभी FRP लगी हुई है, तो देखेंगे कैसे हम FRP हटाएंगे। इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो मेरा फ़ोन है ऑसुस का जेनफोन मैक्स, ये गूगल अकाउंट मांग रहा है। तो अभी हम इसको गूगल अकाउंट तो दे नहीं सकते, इसलिए हम इसको बाईपास करेंगे। कैसे बाईपास करेंगे ये आप देखिएगा। तो सबसे पहले हम जो ज़रूरी ऐप्स हैं हमारे FRP को हटाने के लिए उनको डाउनलोड कर लेते हैं। मैं चलता हूँ यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले अपन जाएंगे वाईफाई एड नेटवर्क पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट टाइप करिए, या तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हैं। कीबोर्ड सेटिंग में जाइए, कीबोर्ड सेटिंग में अबाउट फोन में जाइए, अबाउट के बाद टर्म्स एंड यूज नोटिस, गूगल क्रोम आ गया है। यहाँ से हम जो हमारी ज़रूरत की ऐप्स है उनको डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारा गूगल का होम पेज आ गया है। अब यहाँ हमको जो डाउनलोड करना है वो करना है कि एंड्रॉइड 6.0 अकाउंट मैनेजर। ये देखिए ये ऐप हमको डाउनलोड करना है, एंड्रॉइड 6 अकाउंट मैनेजर। तो ये FRP के लिए है, इसको भी डाउनलोड करेंगे, फिर क्विक शॉर्ट मेकर भी डाउनलोड करेंगे। तो पहले मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड APK, ये सॉल्यूशन 100% टेस्टेड है। देख सकते हैं ये डाउनलोड हो, मैंने लगा दिया है। एक ऐप मैं और डाउनलोड कर लेता हूँ, वो है क्विक शॉर्टकट मेकर। क्विक शॉर्टकट मेकर एक क्विक शॉर्टकट मेकर भी मैंने डाउनलोड पर लगा दिया है। सॉरी, लगता है हम किसी गलत वेबसाइट पे आ गए। पीछे चलते हैं किसी और वेबसाइट के लिंक पर, हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने क्विक शॉर्टकट मेकर भी डाउनलोड पे लगा दिया है। अभी पॉपअप नहीं आया मेरे पास में, फिर से एक बार क्लिक कर लेता हूँ इस पे। ये मैंने दोनों को डाउनलोड पे लगा दिया। अब हम चलते हैं अपने मेन स्क्रीन पर, जहाँ से हम इन ऐप को एक्सेस करेंगे जो कि डाउनलोड हमने लगा दिया है। तो यहाँ से आप जाइएगा, ऐड करिएगा ऐड नेटवर्क, यहाँ पे कुछ भी टाइप करिएगा, टाइप करिएगा शेयर, शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको मैसेंजर पे चलना है, शेयर मैसेंजर। मैंने ऑलरेडी मैसेंजर पे टाइप किया था, आप यहाँ पे 112 नंबर पे भी सेंड कर सकते थे। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 112 सेंड टू, और रिसेंड कर देता हूँ। ये कॉल का बटन आपने देख लिया है, कॉल के बटन पर क्लिक करिएगा। सॉरी, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ये कॉल का बटन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये बटन आ गया, स्टार हैज
4636 एज स्टार। यहाँ पर सेकेंड पर क्लिक करना है, फिर ये बैक वापस जाना है। ये देख सकते हैं जो हमने डाउनलोड किया हुआ था वो सभी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। दो ऐप हमने डाउनलोड किए थे, गूगल एंड्रॉयड का और एपीके का। तो यहाँ से मैं सबसे पहले गूगल वाला जो ऐप है उसे रन कर देता हूँ। एक्सेप्ट, देख सकते हैं गूगल का अकाउंट मैनेजर इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ क्विक शॉर्टकट मेकर ऐप, इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब इसे सीधे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ मैं इसे पर टाइप करता हूँ गूगल, गूगल अकाउंट मैनेजर। अकाउंट मैनेजर में ईमेल एंड पासवर्ड, ट्राई, ये ब्राउजर साइन इन, यस। ये मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल ली है और अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब सिर्फ आपको फ़ोन रिस्टार्ट कर देना है। आपका जो फ़ोन का FRP है वो कम्प्लीटली हट चुका है। यहाँ पे हम फोन को कर देंगे शट डाउन, यस। अब मैंने अपने फोन को शट डाउन करने के बाद रिस्टार्ट कर दिया है। FRP लगभग 100% हट चुकी है, पर फिर भी मैं एक बार आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ओके वेल फ्रेंड्स, तो हमारा फोन जो है वो ऑन हो चुका है। अब हम इसे धीरे से जो भी हमारी सेटिंग्स है उनको सेटिंग्स को कर लेते हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, देख सकते हैं ये थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे, या तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। नेक्स्ट स्किप स्किप, यस स्किप। देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो ऑसुस जेन फोन मैक्स मॉडल नंबर Z010D का FRP जो है वो हट चुका है। तो कुछ इस तरह से यदि आप FRP हटाएंगे तो FRP 100% हट जाएगा। और FRP हटाने के बाद जब आप अंदर आ जाएंगे, इस फोन को आपको कर देना है रिसेट। और सेटिंग्स पर चलते हैं। सेटिंग्स, सेटिंग पर चलते हैं और इसे रिसेट कर देते हैं। तो ये कंप्लीटली रिसेट हो जाएगा आपका फोन। बैकअप एंड रिसेट। तो